यानी कि गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर कलावा बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व भाई दूज हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगा कलाई में कलावा बांधती हैं और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह के प्रतीक के रूप में दो त्योहार मनाए जाते हैं। पहला रक्षाबंधन, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसमें भाई बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करता है। दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है, इसमें बहनें भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भाई दूज एक बहन और भाई का प्रेम स्नेह का बंधन, जिसमें भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और बहन अपने हाथ से पकवान बना करके अपने भाई को इस दिन खिलाती हैं और व्रत रखती हैं। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के साथ उनके घर परिवार में समृद्धि की कामना करती है और भाई अपने योग्यता क्षमता शक्ति सामर्थ्य से कमाए हुए धन में से बहन के सम्मान में वस्त्र आभूषण धन आदि भेंट करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह के बाद कन्या का मायके में कभी कभार ही आना होता है। मायके की ओर से परिवार के सदस्य कभी कभार ही उनसे मिल पाते हैं। ऐसे में भाई अपनी बहन के प्रति उदास न हो, उससे सदा स्नेह बना रहे, बहन के सुख दुख का पता चलता रहे, भाई अपनी बहनों की उपेक्षा न करे और दोनों के संबंध मधुर बने रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इन दिनों जहां देश विदेश के विभिन्न स्थलों पर रहने वाले भाई बहन समय की कमी को महसूस करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सभी से आज हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन व अपील करना चाहूँगा कि आज सरकार ने जो बहन और भाई के बीच में बराबर के हिस्सादार बना दिया, यहाँ कई कई जगह ऐसा मिलता है कि आज बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगती हैं तो वहाँ प्यार और प्रेम नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये पर्व ऐसा है, ये सब बातों को भुला करके आपको इस दिन भाई दूज के पर्व पर जाना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है ये आपको बताते हैं। इस बार भाई दूज का शुभ मुहूर्त सुबह 8:10 से 9:33 तक है। वहीं दोपहर 12:19 से शाम 4:27 तक है। इस मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना कर सकती हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। चित्तौड़गढ़।